के थाना सिरसागंज में थाना अध्यक्ष ने ईद के पर्व को लेकर मौलवियों के साथ बैठक की और ईद के पर्व को घरों में ही रहकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाए की अपील की। ईद को लेकर सिरसागंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम ने नगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूद लोगों से थाना अध्यक्ष सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम ने ईद का त्यौहार कोविड गाइडलाइंस के अनुसार मनाने की अपील की और बताया कि घरों में नमाज अदा करने के साथ ही मस्जिदों में 5 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। मौलानाओं ने कहा कि पिछले साल भी कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया था, इस बार भी त्यौहार पर गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। मौलवियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की सभी लोग घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। जायद अली सभासद ने कहा सावधानी बरतने के साथ ही बीमारी से बचा जा सकता है। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। मैं जायद अली सभासद, नगर पालिका। आज की बैठक सामने अपने थाना परिसर में बुलाई ईद के संबंध में, जो उन्होंने बताया कि कोरोना का जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट गाइडलाइन आई है, उसका पालन करना है आप सभी को और घर से बाहर नहीं निकलना है, घरों में रहकर नमाज पढ़ना है और उसके संबंध में सभी धर्मगुरु आए, उन्होंने सभी का प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।